हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डियर किराना बिजनेस में। फिर मैं लाया हूँ एक और नई वीडियो। गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे किराना दुकानदार 1 रुपये ज़्यादा कमाने चक्कर में अपना 10,000 रुपये रोज कैसे कमाते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, शायद आपको कोई ये बताता होगा, शायद ये कोई आपको समझाता होगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए, जो किराना दुकानदार होते हैं 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ज़्यादा कमाने चक्कर में कैसे अपना पैसा कमाते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहली बात देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो पैसा ज़्यादा कमाने चक्कर में क्या होता है, क्योंकि देखिए किराना दुकान में क्या होता है, अक्सर आपको ये चीज़ें पता होगी कि किराना दुकान में उधारी ज़्यादा होता है हम दुकानदारों का। जो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी कुछ होता है हम दुकानदारों का मुनाफा, वो तो उधारी में चला जाता है। ये बात सही है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर को भी सामान लेने आते हैं, तो जैसे कि अभी आपके जानने वाला कस्टमर होगा, सबसे पहली बात जो दुकानदार होते हैं ना, जब उधारी सामान देते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो उधारी सामान देते हैं, जैसे कि अभी 8 रुपये का सामान हुआ तो 11 रुपये लिखते हैं, 12 रुपये लिखते हैं, यानी 2 रुपया 1 रुपया ज़्यादा चक्कर में, है ना, अपना ईमान भी खराब करते हैं। दूसरी बात, पैसा ज़्यादा कमाने चक्कर में जो उनका पैसा होता है, यानी जो उनका बकाया का पैसा होता है, जो उनका पूंजी का पैसा होता है, वो मालूम है क्या होता है, वो ज़्यादा कमाने चक्कर में वो डायरी में नोट करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप 2 रुपये चक्कर में, 1 रुपये चक्कर में, 5 रुपये चक्कर में, है ना, अपना आप कितना नुकसान कर रहे हो, शायद आपको ये नहीं पता होगा और आपको ये कोई बताया भी नहीं होगा कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। एग्जाम तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके पास 10 कस्टमर हैं उधारी लेने वाले, और उस कस्टमर को आप जानते हैं, अब वो कस्टमर आपसे उधारी लेके जा रहा है और आपके जानने वाला है और आप दे भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये कस्टमर देखे जाएगा और आप उसे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप उसे जानते हैं, तो जब भी आप सामान देते हैं तो उसको उधारी दे देते हैं, ठीक। तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो रहता है कुछ उधारी कुछ और लिखते हैं कुछ और। भाई, आप जो कर रहे हो ना, जो गलतियां कर रहे हो ना, अगर ये पैसा अगर आपके पास कैश होता ना, तो आप उसी पैसे से आप डबलिंग कर सकते हैं, ज़्यादा सामान या ज़्यादा प्रोडक्ट को आप अपने दुकान में ऐड करके उससे ज़्यादा कमाई कर सकते हो। 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये ज़्यादा कमाने चक्कर में आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, देखिए सबसे पहली बात, जैसे कि मैं अभी आपको बताया 10 कस्टमर हैं, अब 10 कस्टमर आपसे सामान लिए हैं, जैसे कि 1,000 रुपये मान लो, 100-100 रुपये का सामान लेगा, 1,000 रुपये हो गया। अब एक कस्टमर का 100 रुपये है, आप कितना लिख रहे हो, 112 रुपये, 122 रुपये। अब आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि ये कस्टमर, चलो ठीक है, ये लेके जा रहा है और ये बोल के जा रहा है भाई मैं कल ला के दूंगा। तो कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं ना, अब वो दुकानदार बोलते हैं भाई मैं पैसा काट लूँ, कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके जानने वाला हो या फिर अदरवाइज और भी कोई कस्टमर हो, नया कस्टमर हो, अगर जब भी वादा करे कि भाई मैं कल ला के दे दूंगा या परसों ला के दे दूंगा, तुरंत अगर पैसा बढ़ा के दे, तुरंत पैसा काट के देना चाहिए। अगर आप पूछोगे कि भाई मैं आपका पैसा काट लूँ, तो बोलेगा ही ना कि भाई रहने दो, बाद में ले लेना। अगर आपके पास वो पैसा होता, अगर वो पैसा आप काटे होते, है ना, तो उस पैसे से आप डबलिंग कर सकते हैं, और भी सामान ला के अपने दुकान में ऐड कर सकते हैं और उसी सामान से आप कमाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ दुकानदार हैं जो पूछते हैं, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। आप कोई भी कस्टमर सामान दे रहे हो, है ना, सबसे पहली बात, अगर कल का वादा किया है या परसों वादा किया है, जब भी आपके पास है तो लेन देन में किचकिच करता है, सबसे पहली बात, जब भी वो आए पैसा ज़्यादा लेकर आए तो पैसा तुरंत काट लें। ज़्यादा पैसा लिख के आपका क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस वो बढ़ते जाता है, है ना। अगर आप उसी पे अटैक करेंगे, उसी पे स्टॉप करेंगे, उसी पे कस्टमर को पैसे की मांग करेंगे, तो आपका पैसा अगर आपके पास होगा तो आप कुछ कर पाएंगे उसी पैसे से। क्योंकि देखिए किराना दुकानदार ये सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, जिस कस्टमर का उधार ज़्यादा होता है, अब उस कस्टमर से अटैक नहीं करते हैं, पैसे की मांग नहीं करते हैं, अब वो उधारी जो होती है ना, उधारी बढ़ती जाती है और आप लिखते जाते हो, बढ़ा के लिखते जाते हो, कोई मतलब नहीं होता भाई। जो आपकी पूंजी होती है, जो आपका पैसा होता है, आपका पैसा सिर्फ उधारी में जाता है, और इसी कारण से जो दुकानदार हैं हमारे पास मैसेज करते हैं, भाई हमारा पैसा इतना इन्वेस्ट हुआ है, हमारा पैसा इतना उधारी में चला गया है, तो इसलिए जाता है। आप लोग सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि आप अटैक नहीं करते हैं, आप उतना उधारी दें जितने का कस्टमर दे सके। सबसे पहली बात, अगर ज़्यादा उधारी पैसा होगा आपका कस्टमर के पास, तो सबसे पहली बात कस्टमर दे नहीं पाएगा, ये यकीन मानिए। अगर दे भी देगा तो आधा ही पैसा देगा, आधा लटका देगा। जो आपका मुनाफा का पैसा होता है वो शायद आपको मिल जाए, नहीं तो वो भी चली जाती है, यानी वो भी डूबी रहती है उधारी में। तो आप सबसे पहले कोई भी कस्टमर सामान दें तो उतना ही सामान दें ताकि वो दे सके, और अगर वो वादा करे देने के लिए तो आप उस पैसे के लेने की कोशिश कीजिए, ताकि उस पैसे से आप कुछ और सामान ऐड कर सकें अपनी दुकान में। जो दुकानदार भाई हमारे पास मैसेज करते हैं, भाई 80% या 35% या 55% हमारा कस्टमर के पास है, हमारी उधारी फंसी हुई है, तो इसी कारण से फंसती है। आप 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये ज़्यादा कमाने चक्कर में आप डायरी पे बढ़ाते जाते हो और वो कस्टमर
सामान लेते जाता है, इसी वजह से जो आपकी उधारी होती है वो बढ़ती जाती है। सबसे पहली बात, आप एक टारगेट रखो कि मैं इतनी ही उधारी दूंगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। और उन्हीं कस्टमर को दो जो कस्टमर आपको जानने वाला हो, पहचानने वाला हो, ताकि वो लेन देन में अच्छा हो, वो टाइम पर आपको पैसा देता हो, उसी कस्टमर को दे, अदरवाइज दूसरे कस्टमर को मत दे, है ना। और दूसरी बात कि उतने ही पैसे दें ताकि वो दे सके। अगर आप ज़्यादा उधारी देंगे तो 110% है कि आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा उधारी होगा तो आधा ही पैसा देगा और आधा लटका देगा। तो आपको मुश्किलें ये होती हैं, आपको दिक्कतें ये होती हैं। एक बार उधारी ज़्यादा देने पर तो कस्टमर पड़ जाता है, तो वो सोचता है, तो वो ये सोच लेता है कि हमारा भाई खाता बन गया, फिर लेके जाता है, लॉस आपका होता है, नुकसान आपका होता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।